पहली दफ़ा नून गवर्नमेंट ने ओवरसीज पाकिस्तानी लिए खासकर पंजाब एक अलहदा उन्होंने एक डेस्क बनाया, थोड़े रम च भी होएगा और वो हर जिले एक नुमाइंदा जरा सरबराह है, डी सी ओ का मैंबर है, डी पी ओ का मैंबर है, हर महीने उन्होंने मीटिंग मैंडेटरी है, जिन्हें भी ओवरसीज की एप्लीकेशन मिसाइल दें वो डिस्कस होंदिया ने, तो उन्होंने बकायदा रिपोर्ट बन के चीफ मिनिस्टर को जाती है भी ये की प्रॉब्लम है, कोई जमीन का, कोई प्लॉट का, कोई रेजिडेंस का, जो भी प्रॉब्लम होंदा है। और मेरा ख्याल है, मैं बिहारी जिले तो जो मेरा तलक है, मैं बिहारी जिले डोगर साहब ने साडे पाकिस्तान दे मीटिंग होंदी है, बहुत सारे थोड़े मसाइल हल हो रहे हैं, कोई ऐसा मैं अगर थोड़े नॉलेज है कि फलां ऐसा मसला है और लीगली है नहीं हो रहा, अगर तुम नॉलेज लियाओगे तो इंशाल्लाह ताला हर 100% इंशाल्लाह हल होगा। पार्टी इंशाल्लाह ताला बड़ी सही सीमे जा रही है, लोगों के चूंकि जिस वेले इलेक्शन हो जाता है खाली लोगों की है, अगले दिन रिजल्ट आते हैं, अगले दिन तो रिजल्ट नहीं आता कोई तो नहीं है, लेकिन पाइपलाइन च पाँच साल है पाइपलाइन ऐसी जो प्रॉब्लम मुल्क इस वेले फेस कर रहा, खासकर बिजली का, और उदे लई बहुत ज़्यादा काम हो रहा है, और उम्मीद है इंशाअल्लाह ताला 2018 च साड़ी लोड शेडिंग जी है इंशाअल्लाह ताला 100% खत्म होगी। और यही मेन मसला है, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी नाल ही बिजली नाल ही मुआशरे का पहिया चलता है और हर चीज़ ये डिपेंड कर दी, जिम्मेदार भी इस तो परेशान है, क्योंकि उन्होंने पानी का प्रॉब्लम है, रेट बहुत ज़्यादा ने, इंशाअल्लाह ताला उम्मीद है 18 इंशाअल्लाह ये सारे मसाइल जड़े ने ये हल होंगे। और मेरा ख्याल है बिजली का मसला हल हो गया तो मुस्लिम लीग अगला इलेक्शन जीतने कोई प्रॉब्लम नहीं होगी।